ओ भाई, मैं तो टीवी पे आ गया। सच में यार, इतनी खुशी हो रही है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं आया टीवी पे। बरेली में हम शहरी युवाओं से बात करेंगे, उनके मुद्दे जानेंगे कि आखिरकार मोदी योगी सरकार लौटेगी, क्या मोदी योगी सरकार की योजना उन तक पहुंची या नहीं पहुंची। इन्हीं तमाम मसलों पर हम यूथ से बात करेंगे कि यूथ वोटर क्या चाहता है, बदलाव चाहता है या फिर से योगी सरकार को चाहता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले। दरअसल क्या हुआ था कि हमारे इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वाले आ गए थे, तो उसमें पूछ रहे थे कि हम किसको मत डालेंगे। तो हमें लगा कि हमें इसमें जाना चाहिए। और मैंने ये भी सुन रखा था कि जी न्यूज वाले अक्सर जो है बीजेपी के पक्ष से बोलते हैं, तो मैंने सोचा है आज मैं अगर टीवी पाना चाहता हूँ तो मुझे सरकार की तरफ से ही बोलना पड़ेगा, उसी के पक्ष में बोलूँगा टीवी पक्का आ जाऊँगा। मैं गया, अपना मुँह बखान जो हुआ पूछे बता दिया। वोट बन गया आपका? हाँ बन गया। तो पहली बार या दूसरी बार? नहीं, पहली बार। फर्स्ट वोटर भैया, देखते हैं फर्स्ट वोटर क्या कहता है, क्या है मूड में? वोट साइकिल को देंगे। साइकिल, पहला वोटर साइकिल को। आपको क्या लग रहा है, आपका बन गया? योगी जी ही आएंगे, क्योंकि लैपटॉप लैपटॉप हम तक पहुंच रहे हैं। और मिला है लैपटॉप? अभी तो नहीं मिला, लेकिन मिल रहा है, आशा है कि मिल जाएगा। तो इस बार योगी जी ही आएंगे। योगी जी आएंगे, तो लग रहा है कि मोदी योगी जी युवाओं के लिए काम कर रहे हैं या नहीं है सर? जी कर रहे हैं, तभी तो मिल रहा है लैपटॉप वगैरह। लैपटॉप मिल रहा है, मिल। चलिए, हमने बरेली में बात की, बदलाव आपकी नजर से मैं युवाओं का मन कटोलने की कोशिश की कि आखिरकार युवा चाहते क्या है, तो बदलाव आपकी नजर से मैं खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको अगले शहर में और जानेंगे लोगों का मूड आखिरकार क्या है। नमस्ते। तो भाई, इस तरह मैं टीवी पर दिख गया, तो बहुत खुशी हुई। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए भाई।